बच्चों से दूर होने का बहुत गम भी है, रोना नहीं और अब पता नहीं कब मिलना नसीब होगा बच्चों से। हमारे लिए आज एक बहुत अच्छा दिन भी है और बच्चों से दूर होने का बहुत गम भी है कि बच्चों से दूर रहना पड़ेगा एक महीना पूरा। सच में एक माँ के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल समय ये होता है कि वो अपने बच्चों से दूर होती है, और यहाँ तो तीन तीन बच्चे हैं, चाचा तो चलो बड़ा है थोड़ा समझदार है, पर ये तीन बच्चे भी ना समझ हमारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे रहोगे, कैसे रहोगे, हप करके रहना सबको, कोई आपको कुछ बोले बोले हप क्या करोगे। हाँ, वेरी गुड। चलो तो वैसे मुझे लगता है ना यान हमारा फुटबॉल प्लेयर बनेगा, तो ये बॉल के साथ बहुत खेलता है, बहुत खेलता है। बॉल क्या है ये बॉल? तो तूबा कह रही है मुझे बैग में पैक कर दो, मुझे मम्मा के साथ जाना है। चलो बैग करो, इसको इसको बैग में पैक कर दे आए। मैं भी पैक हो जाती हूँ यार। क्यों नहीं कर बोलते? अभी मैं बात करती हूँ, ठीक है, मैनेजर से बात करती हूँ, निक्की को बुला लूँ। कोई भेजेगा ही नहीं, बैग में पैक करे तो चलो ले भी जाएगा, ऐसे कोई जाने थोड़ी ना देगा मेरे को। आपको मम्मा की याद नहीं आई? बाबा जा रहा है, बाबा को मिस करोगे? बोला बेटा बाबा को मिस करेगा, कितना मिस करेगा? बाबा को आप टीवी में देखना, ठीक है जैता, बाबा को टीवी में देखना। ये खुद ही नाम ले रहा अपना जैदा। गाइस जाने से पहले ना गोलू ने बहुत ही अच्छा काम कराया, हमारे चारों बच्चों की फोटो जो है फोटो फ्रेम बनवाया है, ताकि हम अगर मिस करें ना अपने बच्चों को तो फोटो देख के जो है थोड़ी तसल्ली पड़ जाए दिल को, और बस सुबह उठते अपने बच्चों की शक्लें देखेंगे और डेली का जो है दिन स्टार्ट करेंगे। पता है बच्चों को तो अभी हमारे इतनी पता नहीं है, ऐसे तो पता है माँ बाप कौन है, पर हम चले जाएंगे तो इतने सारे लोग हैं इनके इर्द गिर्द के, ये तो अपना मन लगा लेंगे, पर हमारा बहुत मुश्किल होगा मन लगना, इसलिए फोटो फ्रेम बहुत अच्छा काम किया गोलू। अंदर ले लो, गेट बंद कर दो। तू मेरे को डॉल पॉलिश क्यों नहीं दे रही है? मम्मा बिग बॉस जा रही बेटी, ये लाइट नहीं दे सकती मैं आपको, यूवी रेज है, यूवी रेज नहीं दे सकती। दीदी निकी कह रही मुझे भी साथ में जाना है। नहीं बोला चल झूठी दी के, जब मैं आ जाऊंगी बिग बॉस से जीत के फिर तू चलियो। मेरे को कौन सा कार्ड बोलते हैं, मेरे को कौन सा कार्ड बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री में बुला लो, देखो निकी को बुला लो। तो भाई यहाँ पे फुल तैयारी चल रही है कृतिका मलिक जी की। बिल्कुल सही बात है, देखो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा रही हूँ, दुनिया देखेगी वहाँ पे, तो भाई सफेद बाल काले होने चाहिए और बालों में प्रोटीन होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोटीन ट्रीटमेंट चल रहा है और प्लस मेरे बालों में जो कलर है वो हो चुका है। इतने गाने कर दिए चट्टे बालों में, आज तो बनता था, अब तो बनता था, इतनी बड़ी जगह पे जा रही हूँ, तो मैं बार बार मस्कारा भी लगा सकती हूँ, वहाँ पे तो हर जगह कैमरे होंगे, यहाँ तो मेरा एक ही कैमरा है ना, वहाँ तो मेरे पास सारे, यहाँ भी तीन चार कैमरे होते हैं आपके, पर वहाँ तो मुझे पता होता है यहाँ पे क्या शूट हो रहा है, वहाँ तो मुझे पता नहीं होगा कि मेरा कौन सा टेक कहाँ से ले रहे हैं। तीनों भाई बहन यहाँ पे ना एक दूसरे झा खेल रहे हैं, झा झा कैसे खेल रहे थे, छोड़ना फटो छोड़ दो छोड़ दो, कहाँ है अनु, कहाँ है जादू, कहाँ है तूबा, कहाँ है ढूंढो ढूंढो, झा ये ध्यान आ गया, झा आपस में खेल रहे हैं, आनू कहाँ गया, देखो 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 कहाँ गया, ये रहा ये रहा, जाओ चुप जाओ अंदर। पहली बार तीनों भाई बहन आपस में इतनी मस्ती कर रहे हैं, खेलो खेलो भागो भागो चलो चलो ये चल, क्या हो गया आपको इतनी मस्ती, आप कहाँ जा रहे हो? चिकू को सुला दे, रात को देखा कि बैठे चार्ज होती है, देखो इतनी मस्ती में रहते हैं, जा 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 अजा। तो गाइस यहाँ पे सारे उठ के नहा धोके रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे मेकअप चल रहा है दोनों दीदी का, और चीकू सो रहे हैं। गाइस थ्रेडिंग में नहीं हो रखी, इतना फैशन तो कर लिया, नेल सब कुछ कराई, लैश भी करा ली, पर थ्रेडिंग नहीं करवाई। दीदी जो बंदा बाहर जाता है दिन में 10 कॉल करता है बच्चों के लिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों ने क्या खाया, अंदर कैसे करोगे, कैसे रहोगे, उन जज्बातों को संभाल लोगे? मुश्किल है। कितना मुश्किल? बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत, ये सबसे डिफिकल्ट। बच्चे थोड़े बड़े और टेंशन नहीं होती ना, छोटे बच्चे बोल सकते हैं। हाँ सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अच्छा मैं आना पीछे से कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड्स कर, जब दीदी आएंगी ना देखेंगी बहुत इमोशनल होगी, जैसे जैद ना फोटो बोलता है मम्मा, ऐसे बोलता ना, रात को भी कह रहे थे मम्मा, पर मम्मा नहीं बोलता, बाबा बोलता, हमेशा मम्मा बोलता है पापा को, आजकल बाबा बोलता है, पर कल रात से वो मम्मा मम्मा कर रहा है, पता ना सूट नहीं रखा यहाँ पे ना, ऊपर मम्मी सो रहे, चीकू सो रहे, दीदी ने ऊपर उठा दिया। तो गाइस ये हाइड्रोलिक बेड है इसलिए ऊपर उठ गया, पर फिर भी बहुत जान लगी यार, थोड़ा सूट नहीं दिख रहा मुझे भाई, मम्मी हमारी घर के आए हैं और बस अपना आप अपना ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना। अच्छा अरे मम्मी ये मेरा ध्यान रखिए, नहीं नहीं सबसे बड़ा फर्ज है, दो बीवी के साथ और दो बीवी आवाज लेकर मजा आ गई, ये छोड़ा नहीं, ये बात क्या होता है ना, कोई लड़का हम हां
हमें शाही लक्ष्य ने 100% दिया है, निक्की ने 100% दिया है, तो सारा कुछ घर, मम्मी, निक्की, लक्ष्य। देखो मम्मी तो अभी आई है, फिर भी हम जब भी 2-4-5 दिन के लिए जाते हैं तो लक्ष्य पूरा घर संभालते हैं, पूरी जिम्मेवारी बच्चों की सी ऊपर। तो बच्चों की मासी, माँ, बुआ, दादी, चाची, नानी, यही है। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है, निकल रहे चीजें आप देखना समझना। जब कोई इंसान फैमिली के लिए बोलता है तो हर कोई लड़ता है, आपको ये चीजें मेरी बुरी लगेंगी, मेरा गुस्सा बुरा लगेगा। अगर इंसान अपनी फैमिली के लिए स्टैंड नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता। जैसा आपको ठीक लगे सपोर्ट करना, वोट करना, लव यू। तो गाइस बस निकल रहे हैं और बच्चों को दूर से प्यार कर रहे हैं, उनको उठाते तो वो हमें देख के रोते, और अब पता नहीं कब मिलना नसीब होगा बच्चों से। बस सपोर्ट करना ऐसे जैसे करते रहे हो आप। तो गाइस लव यू, सपोर्ट करते और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। तो गाइज एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और बस बार बार यही दुख हो रहा है, बच्चे पीछे छोड़ के आए हैं, पर दुख नहीं है, खुशी भी है इस चीज की, बच्चों के लिए कर रहे हैं। और ये भी है कि पीछे देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को देखने वाले नहीं है, पर हम कैसे अलग रहेंगे वो समझ नहीं आ रहा। मैं तो हर थोड़ी देर में कैमरा चेक करती हूँ, मैंने फोटोज तो रख ली थी उनकी, फोटोज रख ली थी ना तीनों की। तो भाई जितने भी मेरे बच्चे हैं, मेरे मतलब घर के बच्चे, मेरे औलाद, बहुत सारे प्यार देना उनको, और बस दुआ में याद रखना। बहुत याद आएगी सबकी, क्योंकि तीनों जा रहे हैं साथ, पर कोई बात नहीं, हमारी जो टीम है, जो हमारे घर वाले हैं, सब मेरी फैमिली है, और मुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा उनका ध्यान है। क्या हुआ लगे जी, इन रूम बोलना क्यों पहुंच रहे हैं, पाए गलत गिनने तो बेटा, क्या हो गया तुझे आज, काउंटिंग खराब हो गई कि दस्त लग रहा है, बिग बॉस में हमसे ज्यादा बैक किसी को हो गया नहीं, इतने सारे तो अभी तो तीन है ना, ये तो सोच के जा रहे ना, एक बंदा तीन तो लेके आता ही है, बिग बॉस में आपके इतने फॉलोअर भी किसी के नहीं है। ये भी थैंक यू, थैंक यू। तो वे सारे चले गए हैं, बाय बाय सबको, बहुत याद आएगी सबको। तो बस गाइस अभी मैं घर पे पहुंची हूँ, बच्चे सारे अभी सो रहे हैं, तो मैं भी सोची थोड़ी देर में सो जाती हूँ। हम रात को ना लेट सोए थे सारे, दीदी का कलर था, पायल दी की नेल पेंट हो रही थी, सबकी नेल पेंट, गुलदी की नेल पेंट हुई है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। मैं उठूंगी, उठ के सारे काम करने हैं घर के, बहुत सारे काम है पेंडिंग जो पड़े हैं मुझे करने हैं पीछे से, तो अब मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी फिर उठती हूँ। आप जब मुझे देख रहे होंगे उस टाइम मैं होंगी बिग बॉस में, तो ये व्लॉग मैं तब शूट कर रही हूँ जब मैं मुंबई के लिए निकल रही हूँ, और बस घर से निकल गए हैं, और भाई हमारे 14 बैग्स हैं, 14 बैग हैं, हम 6 लोग आए हैं। हमारे साथ आया है ये मोटा सूरज, धीरज, चिकू पापा, मैं, गोलू, 6 लोग आए हैं। तो गाइज बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं इतनी दूर, क्योंकि बच्चों के लिए ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करके आएंगे, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं आज, और बस होप कि आप हमें ऐसे प्यार देते रहे, वोट करते रहे। और भाई बहुत सारे लोगों के भी सवाल होते हैं कि आप दोनों इतने प्यार से कैसे रहते हो, आपको सब कुछ दिख रहा होगा बिग बॉस में कि हमारा प्यार, हमारा बॉन्डिंग, हम तीनों का एकता, तो बस ऐसे प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, और बस जाएंगे। गेट नंबर क्या है, गेट नंबर 4 है हमारा। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट, अब यहाँ से कहाँ जाना है। और गाइस इतनी प्यारी, इतनी अच्छी नींद आई ना इस बार, पता क्या हुआ, इस बार हम सबके जो सीट थी वो सब अलग अलग थी, तो बातचीत करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए सब अपने अपनी सीट पे अपनी सुरक्षा पेटी बांध के सो गए। पर मजा आया, देखो नींद कम्प्लीट हो गई, क्योंकि हमारी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी, रात भर ये लगा लो 5 से 6 बजे 3:30 बजे सोए थे, फिर 6:30 बजे भैया योगेश भैया उठाने आ गए, पैकिंग करने में इतना टाइम लग गया। तो गाइस जाने की तैयारी हो गई है पूरी, तो भाई मिलेंगे अब OTT3 में, बिल्कुल वेट एंड वॉच। हां तो क्या बोलूं, मेरा मन नहीं कर रहा यार अभी वहां जाने का, कभी फिर जाएंगे फुर्सत से, मैं व्लॉग बना लेता। चले कांगो तू बाले झाड़ू पोछा कर लेते रहे। तो गाइस मैं, गोलू, सूरज भैया, योगेश भैया, हम लोग निकल चुके हैं सामान के लिए। क्यों कर रहे हैं लोग, क्या हो गया? जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमने इनको बोला सैलून जाना क्योंकि हमारी थ्रेडिंग नहीं हो रही थी गाइस, और फोरहेड भी करवा लेंगे। नहीं फोरहेड क्यों करवाएंगे, हमने वो करवाया था ना उस दिन, लेजर ठीक है तू करा लियो, मैं आपको तो नहीं करानी, तो सिर्फ थ्रेडिंग करानी है। तो गाइस जब ये ब्लॉग देख रहे होगे आप, तो हम लोग उस समय होंगे बिग बॉस में, और बीच बीच में आपको हमारे घर के ब्लॉग्स के अंदर अंदर हमारी क्लिप्स दिखती रहेंगी। तो अभी हम मुंबई के ऑटो में घूम रहे हैं, क्योंकि देखो बड़े बड़े लोग ना ऑटो में घूमते हैं, और मुझे और पायल को तो यार शुरुआत से ऑटो बहुत पसंद है, हम तो जब बड़े थे तब छोटे थे तब से ऑटो में घूमते आ रहे हैं, ऑटो की तो सवारी बहुत अच्छी होती है। तो गाइस आप मेरे और पायल के बॉन्ड को और मान जी के बॉन्ड को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो अंदर, ऐसे प्यार देते रहो और सपोर्ट करते रहो, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ना हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और भाई
बस यही है कि आगे बहुत कुछ करेंगे लाइफ में। अच्छा खेल रहे हैं तो जरूर वोट करो, बाकी आप ऑडियंस को आप सब जानते हैं कौन कैसा खेल रहा है। प्यार करते रहो और देखते रहो बिग बॉस OTT3। तो भाई हमें मुंबई के बारे में कुछ भी नहीं पता, कहाँ क्या है क्या नहीं है कुछ भी नहीं पता, तो हमने भैया को बोला है कि पहले हमने बोला लोकल वाला, क्योंकि मुंबई में लोकल वाला ही फेमस है, तो हमें लोकल वाला का नाम पता था। और वो लोकल वाला यहाँ से 33 मिनट का रास्ता था, बहुत दूर है, 6-7 किलोमीटर का था, पर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा थी गाइस, 12 किलोमीटर बाद होता है। तो अभी हमने बोला की आस पास में जो मॉल है आप वही ले चलो, तो अब भाई पहले हम मार्केट जाने वाले थे पर अभी हम जा रहे हैं मॉल। तो भाई हमने भैया को बोला था भैया मॉल लेके जाना, भैया हमें ले आए डी मार्ट। मैंने कहा भैया यहाँ नहीं जाना, डी मार्ट नहीं जाना, कह रहे इसमें कपड़ा वपड़ा सब मिलता है। मैंने कहा भैया ये वाले में नहीं जाना, जहाँ पे सारे ब्रांड्स होते हैं वो वाले मॉल में जाना, बड़ा मॉल बिग मॉल। तो अब देखो कहाँ लेके जाते हैं, बाकी गोलू जो है फोन में लोकेशन निकाल रही है। तो गाइस अभी मैंने पता करा है, हम जा रहे लोखंड वाला तो जा ही रहे थे, पर लोखंड वाला इतना बड़ा ना, लोखंड वाला में कहाँ जाना है, तो हम ना 3-4 जगह हमने पता कर लिया। एक दुकान है बहुत बढ़िया जहाँ पे नाइट सूट मिलते हैं, एक है बॉयज की दुकान, चीकू के पापा के लिए भी कोई जैकेट देख लूंगी अगर पसंद आ गई, और एक है गर्ल्स की दुकान जहाँ पे गर्ल्स की जैकेट मिलेगी, क्योंकि भाई हमें लगती है बहुत जोरों की ठंड, इसलिए हम लोग अभी ऑटो में आए हैं, क्योंकि ना हम लोग कैब में बैठते हैं ना होटल में रहते हैं, तो हमें लगता है ठंड, हमने कहा यार ठंड का सामना हम आगे कर पाए ना कर पाए, तो अपने लिए जैकेट लेना बहुत जरूरी है, तो जैकेट लेते हैं। अभी मैंने खाया वड़ा पाव, पीछे वड़ा पाव और भी रखा, पायल ने भी एक बाइट बचा दी थी वो भी मैं खा गई, इतना टेस्टी, मतलब गाइस मेरा तो मतलब ऐसा हो गया मुंबई आओ तो वड़ा पाव ही खाओ, दिल ही नहीं भरता वड़ा पाव से, कहीं से भी खा लो सब जगह एक ही टेस्ट है, मजेदार मजा आ गया। पर यार मिर्ची नहीं मिली, मिर्ची का अलग ही मजा है, और ये मिर्ची ना वड़ा पाव के साथ ही अच्छी लगती है, या छोले भटूरे या वड़ा पाव।